हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशीष खरे, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन कलूसा कॉस्मेटिक्स, और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इन केस ऑफ फीमेल्स। ये वीडियो उन सारे फीमेल्स के लिए है जो ये समझती हैं कि अगर ब्रेस्ट का साइज हैवी है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और रेस्ट ऑफ द लाइफ यानी सारी जिंदगी हैवी और सैगी ब्रेस्ट के साथ रहना पड़ेगा। पर अब ऐसा नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हैवी एंड सैगी ब्रेस्ट का साइज कम किया जा सकता है और लिफ्ट भी किया जा सकता है। मेल ब्रेस्ट रिडक्शन यानी कि गायनेकोमेस्टिया के बारे में हमने बहुत बात की है। मेल चेस्ट में फैट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्लैंडुलर कंपोनेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फीमेल्स में ड्यू टू ईस्ट्रोजन एंड फीमेल ब्रेस्ट जिसका की पर्पस होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ग्लैंडुलर कंपोनेंट या ग्लैंड्स ज्यादा होता है फैट के कंपैरिजन में, और यही कारण होता है कि दोनों का ट्रीटमेंट ऑप्शन भी डिफरेंट होता है। अगर आपकी ब्रेस्ट हैवी है तो हम आज बात करते हैं कि हैवी ब्रेस्ट की वजह से होने वाली प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी का, और इसका रिकवरी एंड फर्दर मैनेजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कारण है जिसलिए फीमेल्स ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराने के लिए सोचती हैं या चाहती हैं। फर्स्टली, सबसे पहला कारण, फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट। लार्ज ब्रेस्ट के कारण से महिलाओं में एक शर्म और संकोच की भावना मन में रहती है। आप अपने पसंद के ड्रेसेस नहीं पहन पाते। पुराने समय में तो आप हैवी ब्रेस्ट का ब्लाउज और साड़ी से कवर कर लेते थे, but now due to change in dressing pattern, females now feel ashamed and they need some solution to get rid of the heavy breast. Secondly, pain. Heavy breast ke karan ek constant stretching pain jo ki aapke shoulders aur neck mein bana rehta hai. Long standing cases mein ye pain aapke upper back mein bhi shift ho sakta hai. Teesra, postural changes. Due to heavy breast aur weight of the breast, aapki spine फॉरवर्ड बेंड हो जाती है धीरे धीरे। ये फॉरवर्ड बेंडिंग के कारण आप आगे झुक के चलते हैं एंड दिस में लीड टू द पोस्चुरल चेंजेस इन अ लॉन्ग रन। चौथा कारण, मैराथन रनर्स या जो फीमेल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ये एक नई कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जो कि यूजुअली यंग है। यंग मतलब 20-30 ईयर्स के एज में, और आजकल फीमेल्स जिम में मैराथन रनिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती हैं और उसमें काफ़ी बिजी होती हैं। हैवी ब्रेस्ट एक तरह का हिंड्रेंस है इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए, इसलिए ये फीमेल्स ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी को ऑप्ट करती हैं। पांचवा, मैसरेशन। ड्यू टू हैवी ब्रेस्ट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट मैसरेशन और स्वेटिंग विच फर्दर लीड्स टू फंगल इन्फेक्शन इनसाइड द ब्रेस्ट और इवन ओवर द इंफ्रा मेमरी फोल्ड। अगर आपके भी इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करती है, देन यू शुड मीट योर प्लास्टिक सर्जन एंड कंसीडर फॉर अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। अब आइडियल एज ऑफ द ब्रेस्ट रिडक्शन, यूजुअली सर्जरी 18 साल से 70 साल में कभी भी की जा सकती है। आपकी मेडिकल कंडीशन सेफ एंड साउंड होनी चाहिए। ये एक सेफ सर्जरी है। आपके इनिशियल सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन और बाकी पैरामीटर्स चेक करे जाते हैं। आपकी एज के हिसाब से इफ़ यू वी कैन गेट योर अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट या फिर एक मैमोग्राम रिक्वायर्ड होता है सर्जरी करने से पहले। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से कितना भी हैवी एंड सैगी ब्रेस्ट को हम कम कर सकते हैं। अगर आपका ब्रेस्ट अम्बलाइकस तक भी जा रहा है या उसके बियॉन्ड है तो वो भी कम किया जा सकता है। हम निप्पल एरियो कॉम्प्लेक्स को ऊपर लिफ्ट करते हैं, एक्सेस ग्लैंड्स एंड स्किन को एक्सरसाइज करके एक बेटर राउंड शेप आपको दे सकते हैं। यूजुअली एक छोटा सा स्कार आता है लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट में, वो भी समय के साथ फेड हो जाता है। बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, हमारी टेक्निक्स होती हैं कि हम आपको स्कार कम से कम दें। बाकी पोस्ट ऑपरेटिव में लेजर्स, स्कार रिडक्शन क्रीम्स एंड इवन सिलिकॉन शीट से भी स्कार को फेड किया जा सकता है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी को हम तीन तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला, लाइपोसक्शन या फिर वेजर लाइपोसक्शन। अगर ब्रेस्ट में फैट कंपोनेंट ज़्यादा है या पेशेंट यंग और अनमैरिड है तो हम
लीस्ट इन्वेसिव वेजर लाइपोसक्शन को प्लान कर सकते हैं, पर इस प्रोसीजर में कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको सर्जरी से पहले अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलकर सलाह करनी पड़ेगी। दूसरा, शॉर्ट स्कार या जिसे हम कहते हैं लॉलीपॉप इंसिशन, एक राउंड इंसिशन आता है निप्पल के पास, निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स के पास, जिससे निप्पल को ऊपर किया जाता है और एक छोटा सा स्मॉल निशान उसके नीचे जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप आता है। इसकी रिकवरी भी जल्दी होती है और स्कार समय के साथ फेड हो जाते हैं। तीसरा, इन्वर्टेड टी स्कार या जिसे एंकर स्कार पैटर्न भी कहते हैं, एक इन्वर्टेड टी स्कार आता है लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट में। इस टेक्निक से हम बड़े साइज ऑफ द ब्रेस्ट 1.5 kg लगभग ऑन ईच साइड का भी कम कर सकते हैं और कितना भी बड़ा ब्रेस्ट हो इस टेक्निक से किया जा सकता है। अब बात करते हैं एवरेज सर्जिकल टाइम का। यूजुअली 4 से 5 घंटे लगते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में और पेशेंट को 24 आवर्स हॉस्पिटल में स्टे रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। आप नॉर्मल एक्टिविटीज 2 से 3 दिन में बाद आराम से कर सकते हैं। एक कंप्रेशन गारमेंट या फिर स्पोर्ट्स ब्रा आपको हम देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वेयर में। यूजुअली 1 मंथ के लिए आपको पहनना होता है जो एक कॉन्स्टेंट कंप्रेशन और सपोर्ट देता है। 48 आवर्स के बाद हम आपकी ड्रेसिंग चेंज करते हैं और आप अपना न्यू लुक देख सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट। नो एक्सरसाइज और रनिंग या जिम फॉर एटलीस्ट 3 to 4 weeks। अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल फॉर एटलीस्ट 2 to 3 weeks पोस्ट सर्जरी। कंटिन्यूसली आपको स्पोर्ट्स ब्रा एंड कंप्रेशन गारमेंट पहन के रखना है जो कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव पेन का भी ध्यान रखता है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है क्योंकि आपकी बॉडी एक हीलिंग फेज पे है। अंत में कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एक बहुत ही सुगत और संतोषजनक अनुभव है आपके लिए और आपके सर्जन के लिए। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका या कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमसे या हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।